हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। तो हम आ गए हैं कॉलेज एंड आज मेरा रिजल्ट भी पता लगेगा। मैं आपको अपना रिजल्ट भी बताऊंगी कि मेरे कितने मार्क्स आए। अभी तो हम कॉलेज में पहुंचे हैं, हमारी क्लास है मेरी भी और गुल की भी। तो हम अपने अपने क्लास में जाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। ओके, एंड आज मेरी क्लास नहीं है सुबह वाली, तो मैंने सोचा कि मैं नोट्स बना ली। तो मैम ने बोला कि लाइब्रेरी में नोट्स बना लो, तब तक मैं यहाँ पे नोट्स बना लेती हूँ, फिर मुझे नीचे जाना है। फिर मेरी दूसरी क्लास है दूसरे डिपार्टमेंट में। तो गाइस, क्लासेस हो गई ओवर, अब हम जा रहे हैं घर। और हमारी हालत देख के आपको पता चल रहा होगा कितने थक गए हम। हमने वैसे खा लिया जो हमें खाना था कैंटीन में, मैंने बनाया। हवा भी चल रही है पर फिर भी बहुत गर्मी लग रही है। डेढ़ तीन तक। अब तो हमारी कल छुट्टी है संडे की, मंडे आएंगे। अब तो हम मंडे आएंगे, तो चलते हैं, जल्दी से पहुँच जाए। अब तो मुझे मंडे से रेगुलर आना है क्योंकि मेरा एक वो है, एक हफ्ते तक चलेगा, 7 से 12। सो लेट्स गो। नायरा देख तो, अरे यार देख तो, लोग बन रहा तेरा। नायरा इधर हाय हाय बोल दे एक बार। इस गुल्लू की पैंट देखो, इसको आई नहीं हो तो 34 एक्सेल चेंज हो जाएगी उसको। ना मेरा वो आ गया है सिंधारा, तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। अभी मेरी कमर में बहुत दर्द है, जब से मैं कॉलेज से आई हूँ ना, मैं मतलब सबसे मैं लगी हुई हूँ, खाना वाना बनाया मैंने बहुत, तो इसलिए मैं थोड़ा अभी उठ नहीं सकती। गुल अपने कपड़े पहन के देख रहा है, आप उसको देख लेना कि उसके कपड़े कैसे हैं। उसकी पैंट तो से आई नहीं, अब वो शर्ट पहन के देखेगा। दिखाती हूँ, ठीक है ये था होगा काम इसका। तो दिस गुल्स शर्ट मैं अपने नोट बाद में दिखाता हूँ, इसमें कोई परेशानी नहीं है 1% की भी। गाइस, सो दिस इज़ नेक्स्ट डे एंड मैं हो गई हूँ नहा के रेडी। एंड जैसे कि मैम ने आपसे बताया था कि मैं आपको अपनी चीज़ें दिखाऊंगी कि जो मेरे सिंदर आया क्या क्या चीज़ें आई हैं। रात में बहुत थक गई थी तो मैं आपको आज दिखा देती हूँ। तो अभी मैं नहा वहा के हो गई हूँ रेडी, मतलब मैं 10:30 हो रहे हैं, पूरे 10:30 और मेरा काम कम्प्लीट। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है। एंड जैसे कि आज है संडे तो हम घर पर हैं और आज का दिन हमारा रहने वाला है ऐसे। और आज हवा अच्छी चल रही है, वैसे गर्मी में बैठा हुआ है। ये दो चीज़ें हैं जो बटने बटने के लिए आती है ना, खाने की चीज़ें। बाकी कपड़े मैं आपको अपने रूम में जाके दिखाऊंगी, इनको तो साइड करते हैं, इनको लेके चलते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कपड़े। और गाइस, हाँ मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रही थी कि मैं सोच रही हूँ मैं अपना एक स्टडी चैनल भी खोलूँ कि जिस पर मैं मतलब पढ़ाऊँगी हिंदी लिटरेचर, क्योंकि ये मेरा यही मेन सब्जेक्ट है। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बताना, मैं फिर मतलब मैं ऐसा सोच रही हूँ, अभी ऐसा कंफर्म नहीं है बट मुझे लगता है 50% मैं सोच रही हूँ कि स्टार्ट करती हूँ, 50% मेरा मन में नहीं है कि फिर मैं क्या क्या मैनेज करूँगी। मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे मतलब समझ सकती हूँ मैं, मेरी शादी हो गई है तो ये मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट फिर मैं सोच रही हूँ मेरा इंटरेस्ट है, मैं पढ़ रही हूँ तो मैं फिर एक स्टडी चैनल भी खोल लेती हूँ। तो आप मुझे सजेस्ट करना कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं। बाकी फ़िलहाल तो हम कपड़े देखते हैं, तो पहले स्टार्ट करते हैं। ये है सासू मम्मी का सोन, तो ये कपड़े तो हम सिर्फ 4 के ही आए हैं और सब वैसा सामान है जो खाने वाने का आता है। एंड ये पप्पा के, एंड अपना सूट दिखा देते हैं, अपना सूट मैं गाइस आपको खोल के दिखाऊंगी। देखो ये मेरा सूट है, ये रेडीमेड है, ये इसका दुपट्टा, इसके नीचे है ये सिंपल, नीचे इसके जैसे ये वाला डिज़ाइन है। मैं मोस्टली ना इस वाले कपड़े के सूट पहनती हूँ, अभी फ़िलहाल जो पहन रखा है ना उसमें बहुत गर्मी लग रही है। मैं ये गर्मियों की वजह से लाई थी, नायरा कट है, पूरा पूरा ओपन करके दिखाती हूँ। वेट ये मेरा एक सूट,
और एक है मेरा ये स्टिच नहीं है, ये ऐसे ही है, इसको मैं सिलवाऊंगी अभी नहीं, जब कोई मुझे नीड होगी। अभी मेरे पास बहुत सूट है, मैं अब सूट ज़्यादा पहन नहीं पाती तो मेरा सूट ऐसे ही रखें। दुपट्टा दिस सो दो सूट मेरे और मम्मी पापा के और गुली के, आपने रात देख लिए थे। तो ये आया है मेरा सिंधारा। एंड गाइस मैं मतलब अब मैं सोचूँ अगर मैं स्टडी चैनल स्टार्ट करती हूँ ना तो फिर मैं संडे एवरी संडे वीडियोस डाल दिया करूँगी, क्योंकि वैसे तो मुझे टाइम मिलेगा नहीं क्योंकि मैं कॉलेज जाती हूँ, पूरा दिन ऐसे चला जाता, सुबह निकलो फिर शाम में घर आओ फिर थक जाओ फिर खाना वाना ये सब चीज़ें मैं बिजी रहती हूँ, तो संडे में मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। तो अगर मैं स्टार्ट करती भी हूँ तो मैं एवरी संडे वीडियो डालूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिला करेगा। और क्या बताऊँ, और कुछ नहीं, बस आज मैं अपनी नेल पेंट भी लगाने वाली हूँ, क्योंकि जैसे मतलब पहले ना शादी से पहले मेरी नेल पेंट पूरे एक हफ्ते चल जाती थी, मतलब मैं संडे लगाती थी अगले संडे तक वो बिल्कुल ऐसी होती थी, अभी मैं लगाती हूँ और एक दो दिन बाद ही वो हट जाती है आटा वाटा करने से या फिर काम करने से जो भी होता होगा। तो पर मैं फिर भी चेंज नहीं कर पाती क्योंकि होता है कि नहीं चलो तभी करूँगी, इतनी जल्दी जल्दी क्या, आज संडे है तो मैं आज नेल पेंट भी चेंज करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी फिर मैंने कैसी नेल पेंट लगाई। तो हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एंड हाँ गाइस एक चीज़ रह गई थी, मतलब जो वैसे आती है ना चूड़ी वगैरह वो भी मैं आपको दिखाई देती हूँ ना, जब मैं दिखाई रही तो फिर सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। सो ये है चूड़ियाँ सासू मम्मी की एंड मेरी, मतलब प्लेन सिंपल रेड है ये वाली, जो बड़ा साइज़ है वो बॉबी का है और जो छोटा साइज़ है वो मेरा है। और अभी मैं साथ साथ ना चेंज भी कर लेती हूँ क्योंकि ये वाली जो चूड़ी ना मैंने चूड़ा निकाल दी क्योंकि कॉलेज जाता है तो थोड़ा वो लगता है, गर्मी भी बहुत लगती है, घर पर रहती थी तो मैंने वो डेली में पहन रखा था। और अभी ये चूड़ियाँ ना इतनी लूज़ है ऐसे निकल जाती है खुद से, ऐसे बर्तन वर्तन कुछ करते ना ऐसे ऐसे यहाँ पर हाफ बहुत बड़ी है, तो मैं अभी चेंज कर लेती हूँ अपनी चूड़ी क्योंकि मेरी प्लेन रेड थी नहीं मेरे पास, मैं प्लेन रेड ही पहनती हूँ। And this is my size. Nice. Done. ठीक है चूड़ी तो सिंपल थी, अभी मैं देखती हूँ क्या है, मैंने भी अभी देखा नहीं है क्या है क्योंकि कल मैं थक गई थी फिर मुझे टाइम नहीं मिला, मैं मतलब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, कॉलेज जाते हैं तो बहुत थक जाते हैं, ऊपर से बाइक पर 3 घंटे बैठना। एंड ये 2 मेहंदी एंड ये आई थिंक सिंदूर है, 2 सिंदूर एंड आई थिंक सासू मम्मी इज़ रबर बैंड एंड दिस इज माई रबर बैंड एंड नेल पेंट एंड माई लिपस्टिक। और मेरे रबर बैंड, मैं ऐसी रबर बैंड डालती हूँ ना, सुंदर ब्यूटीफुल क्यूट। तो अब मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, ये सब मैंने आपको दिखा दिया। अभी तो क्या हमने नारा कुछ बोल इसकी, मेरी बेटी मेरी बेटी तो मुझे जानती नहीं है क्या, तो उसका टीम लगा दे, रुक जा आज।
जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपना लास्ट रिजल्ट बताऊंगी, अभी रूम में ना दे रहा हूँ। और बज रहे हैं रात के 10:45, यानी कि 11 बजने वाले हैं। हम देख रहे थे खतरों के खिलाड़ी दोनों। अब गुल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं आज, इसलिए गुल जल्दी से सो गया, मतलब अभी सोया 5-10 मिनट पहले। गुल को भी आदत हो गया खतरों के खिलाड़ी देखने की, पहले वो देखता नहीं था गाइस, मैंने देखना सिखा दिया उसको। और मैंने लगा ली फाइनली अपनी नेल पेंट भी, मैंने बोला था मैंने अभी लगाई है, बट ये मुझे अभी टाइम मिला। सो हाँ, मैं रिज़ल्ट बताने वाली थी। तो मेरा रिज़ल्ट है, मेरे आए हैं 82%, जो कि अच्छे हैं मेरे लिए, तो अच्छे हैं, ठीक है। एंड गाइस ये व्लॉग इतना ही था, इसमें मैं आपको अपना वो भी दिखाऊंगी जो मेरा, मतलब वो दिखाया जो मेरे सिंदर आया, एंड मैंने अपना रिज़ल्ट बताया। और हमारे घर पे आज कुछ गेस्ट भी आए थे, आपने देखा होगा, मेरी मामी जी आई थी एंड गुल की बुआ जी वगैरह सब आए थे। तो व्लॉग कम्प्लीट देखा करो पूरा, एंड मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। कल हम कॉलेज जाएंगे, इसलिए भी हम सो जाते हैं जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।